हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? अरे सर, कोरोना ने जान ले रखी है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, कमाई कम हो गई है, पढ़ाई का पता नहीं है, एग्जाम कब होंगे ये क्लियर नहीं है, घर में कैद हुए बैठे हैं, दोस्तों से मिल नहीं सकते. सर, लाइफ इज सो अनफेयर. तो लाइफ ना तो इससे पहले कभी अनफेयर थी और ना कभी आगे होगी. क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है. लाइफ हमेशा ही चैलेंजिंग रही है और आगे भी रहेगी. ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे. अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं, जो अच्छा लगे पिक कीजिएगा. जब रोहतक से दिल्ली आया अराउंड 94, तो मुझे लगने लगा लाइफ बहुत अनफेयर है. क्यों? क्योंकि लोकल स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत फैसिलिटी थी, घर, अपना खाना, अपने व्हीकल, उनका अपना इंग्लिश बैकग्राउंड, और हमारे लिए सुबह से रात तक खाने का अरेंजमेंट करना, रहना, बसों में भागना, और हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, तो कितना अनफेयर लगा. और बताओ, जो गर्लफ्रेंड थी और अब तक तो उसका ब्याह हो गया, साहब दिल्ली टूट गया. मैं जीआरजी के पास गया, मैंने कहा जीआरजी लाइफ इज सो अनफेयर. तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जो आपको पास कर रहा हूं. जीआरजी सेड, एक्सेप्ट द लाइफ द वे इट कम्स. लाइफ जैसे आती है उसको एक्सेप्ट करना है और उसमें रहकर काम करना है. कुछ स्टेप्स लीजिए. स्टेप वन, सिचुएशन को कवर अप मत कीजिए. अगर हालात खराब हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये खराब है हालात. खूब अच्छे से उसके जितना बुरे हालात है उसको लिखिए, उसको दोस्तों से बात कीजिए, रोइए, छाती पीट पीट के रो, फर्श पे लोट लोट के रो. रॉबिन शर्मा ने हु विल क्राई व्हेन यू डाई में बहुत अच्छा लिखा है कि फिक्स वरी ब्रेक्स, कि जब आपको चिंता करनी है. हम ना पार्ट्स में चिंता कर रहे होते हैं, पार्ट्स में रो रहे होते हैं, दिल खोल के इकट्ठा एक बार में रो लो ना, इट हेल्प्स मी लॉट. कई बार मुझे छोटी प्रॉब्लम होती है तो आधा घंटा रो लेता हूं, बड़ी एक घंटा, कई बार मैं दो दो तीन तीन दिन रोता हूं अच्छे से, मैं खूब अच्छे से बैठ के रोता हूं, लिखता रहता हूं अपनी डायरी के अंदर, यार ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, सब खराब है, देश खराब है, हालात खराब है, लीडर्स खराब है, माहौल खराब है, बच्चे, फैमिली, फ्रेंड, सब खराब है, तुम अच्छे हो, तुम खाली तुम अच्छे हो ना, अभी आता हूं इस पर. लेकिन लिख लो उसको, जम के इस हद तक लिख डालो कि वो बार बार तंग ना करे. स्टेप वन. स्टेप टू, मैंने उन लोगों को स्टडी करना स्टार्ट किया जिनके हालात मेरे जैसे थे. तो मैंने अंबानी और ओबेरॉय को पढ़ा, मैंने मुझे बहुत ताकत मिली. आप देखिए, आप जैसे हालात किसी और के भी तो होंगे, किसी ने अच्छा भी तो किया होगा. अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अच्छे रैंक होल्डर उनको पढ़ते हैं ना कि उन्हें कैसे किया, कुछ ना कुछ ट्रिक टिक तो मिलती है यार, पढ़ो उनको, इट डज हेल्प अ लॉट, ट्रिक्स मिलती है. तो स्टेप टू, उन हालातों में बहुत मेटीरियल है कि लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं. स्टेप थ्री, एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, उसमें ऑथर को वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरे हालातों में डाल दिया गया, जेल के अंदर मर रहे लोग, आज बुरे हालात. वो कहता है कि मैं इस बात पर ध्यान लगाता रहा कि यार मुझे ना जीने के लिए भाई ये काम करना है, मैं ये कर सकता हूं, इस टाइम पे सांस ले सकता हूं ना, मैं सांस ले लूं. आप नेल्सन मंडेला को पढ़िए, क्या हालात थे और फिर भी कैसे वो क्या करते थे, वो देखते थे कि हम क्या कर सकते हैं. उस हालात में बहुत की एस्पेक्ट है कि आप क्या कर सकते हैं, उस पर अपनी एनर्जी लगाना स्टार्ट करो, डाइवर्ट करो. यार मैं ठीक है यार, एग्जाम क्रिएट नहीं हुई, ओके मैं क्या कर सकता हूं यार, वो रेंटिंग होगी, वो रोना हो गया पूरा, यार मैं पढ़ सकता हूं, ठीक है मेरे कुछ कॉन्सेप्ट वीक है यार, तो मैं उसको इंप्रूव कर लेता हूं यार. यार जॉब चली गई कोई बात नहीं, अपने स्किल्स अपडेट कर सकता हूं, क्या कर सकते हो उस पर ध्यान लगाओ. गर्लफ्रेंड भाग गई है तो यार मैंने अगले की तैयारी शुरू कर दी यार, और क्या बात है, और अपने आप को. तो पॉइंट ये है कि आप क्या कर सकते हैं उसको देखिए. तो तीन स्टेप क्या क्या हुए. स्टेप वन, जो हालात जैसे हैं उसको लिखना है, एक्सेप्ट करना है, हाँ खराब है हालात है बिल्कुल, खूब रोना रहो. स्टेप टू, कुछ लोगों ने अच्छा जीवन किया, उनको स्टडी कीजिए, उनको पढ़िए, उनको सुनिए, उनको. स्टेप थ्री, उन हालातों में जो आप कर सकते हैं वहां एनर्जी आपको अपनी लगानी है, यार मैं क्या कर सकता हूं. एंड फाइनल मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, सब कुछ होने के बाद कई बार हम मोटिवेट नहीं कर पाते अपने आप को, मैं नहीं मेहनत कर पाया, मतलब सब कुछ कर लिया आपने, तो क्या करना है. आपके लिए सीए एंड ऑफ लाइफ नहीं है, कोई भी फेम सक्सेस एंड ऑफ लाइफ नहीं है. वो अच्छा मेहनत करी, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, नहीं कर पाए. मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर मैं मेहनत नहीं कर पाया, बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने, मैं जान जाता हूं कि ये लाइफ जीना समझ चुका है,
द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं की, तो अब बस लाइफ के सारी चीजें पता चल गई आपको। तो फोर्थ स्टेप इज एक्सेप्ट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोरोना नहीं है, ये सी इंस्टीट्यूट नहीं है, ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन, ये फैमिली नहीं है, पेरेंट्स ही हैं, ये आप हो, आपने, आपकी जिम्मेदारी है, लाइफ मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही ये समझ जाओगे, बहुत चीजें खत्म कि हाँ यार लाइफ मेरी है, मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, हो पाए अच्छी बात, नहीं हो पाए कोई बात नहीं यार। लाइफ हमेशा उन लोगों ने चीजी है, चाहे पैसे वाले हों, चाहे बिना पैसे वाले हों, चाहे नाम बिना नाम वाले, जो ये जानते हैं कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं कि यार हालात आए जैसे आए, मैंने इसको रिस्पॉन्ड किया, ऐसे ठीक है, अच्छा गलत बुरा सही, राइट। जस्ट वन लाइफ, एंजॉय इट फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट टूर पर। ओके बाय।